नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, मेरा आज का ये वीडियो है आज के इंसान की हालत पर। आज के इस युग में देखें तो हर इंसान मशीन की तरह जीवन यापन करने को मजबूर है। कारण हर इंसान की आकांक्षाएं एवं महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वह किसी भी तरह अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पा रहा, और इस कारण लोगों में भयंकर तनाव और डिप्रेशन होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर देखें तो प्रति 10 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार डिप्रेशन में चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित या कमजोर हो जाता है तब डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा का हमारे मन और मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। कहा भी गया है, चंद्रमा मन सो जाता है, चक्षु सूर्यो अजायत। मनुष्य की मानसिक स्थिति पर चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से होता ही है। चंद्रमा की क्षय वृद्धि के साथ मनुष्य की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। मानसिक रोगों के डॉक्टरों ने उन्माद रोगियों पर चंद्रमा की वृद्धि और क्षय का प्रभाव पाया है। पूर्णिमा को उन्माद बढ़ जाता है। एक फारसी में शब्द है चांद मारा, यह शब्द पागलों के लिए प्रयोग किया गया है, और इस शब्द में चांद शब्द आया है। चांद, चांद मारा यानी जिसे चांद ने मारा हो। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है, और लग्न को शरीर माना गया है। अगर कुंडली में इन तीनों की स्थिति खराब है तो फिर व्यक्ति के जीवन में कुछ बचता नहीं है। इसीलिए यदि चंद्रमा की स्थिति खराब है और कुंडली में सूर्य और लग्न बली हैं तब तो स्थिति संभल जाएगी, वरना व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो जाती है। ज्योतिष में लग्न के समान ही चंद्र लग्न को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि मनुष्य जीव जातक के संपूर्ण कार्य मन की प्रेरणा से ही होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव पेड़ पौधों वनस्पतियों पर विशेष रूप से होता है, यह विज्ञान सम्मत है, साइंस इस चीज को एक्सेप्ट करती है। शुक्ल पक्ष में जो बीज रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं, वे पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, और कृष्ण पक्ष में बोए हुए बीज मंद गति से बढ़ते हैं। ज्वार भाटे के रूप में चंद्रमा के प्रभाव से सभी परिचित हैं। चंद्रमा का प्रभाव केवल जल पर ही नहीं, जलीय पदार्थों और जलीय जंतुओं पर भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। शुक्ल पक्ष में मछलियां अधिक पुष्ट होती हैं। आयुर्वेद में चंद्रमा की कलाओं और नक्षत्रों के अनुसार औषध संग्रह करने का तथा निर्माण का विधान भी सर्वविदित है। आचार्य बराह मिहिर के अनुसार स्त्री जगत में मासिक धर्म की रचना भी चंद्रमा आधारित है। मित्रों, चंद्रमा के महत्व को मुहूर्त आदि में भी फलित ज्योतिष के साथ साथ मुहूर्त आदि में भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। बिना चंद्रमा के मुहूर्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और ये पृथ्वी के साथ नक्षत्र मंडल का भ्रमण करते हुए अपने ऊपर गिरने वाली ग्रह रश्मियों को पृथ्वी पर परावर्तित करता रहता है, जिसका प्रभाव मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पतियों एवं समुद्र के जल पर पड़ना विज्ञान सम्मत सिद्ध हो चुका है। बलि चंद्रमा मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावशील रखता है, और निर्बल चंद्रमा तन और मन को अस्वस्थ करता है। सांसारिक सारे कार्य मनुष्य अपनी मना स्थिति के अनुसार करता है, उसी से उसका उत्थान, उसी से उसका पतन, सुख दुख, हानि लाभ प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा को पक्ष बलि स्वीकारा जाता है कि यदि चंद्रमा पक्ष बल प्राप्त है तो फिर वह बलि है। इसीलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलि माना गया है। मित्रों, ऐसे ये वीडियो काफ़ी
लंबा खिंच जाएगा। अब मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ कि पीड़ित चंद्रमा यदि कुंडली में है तो वह डिप्रेशन अवश्य देता है, क्योंकि चंद्रमा सौम्य और नाजुक ग्रह है और जब भी ये पाप ग्रहों से पीड़ित होगा मानसिक अवसाद की स्थिति बनेगी। पाप ग्रहों से पीड़ित होने का मतलब चंद्रमा राहु, केतु या शनि के साथ बैठे हों या इनमें से किसी से दृष्ट हों या फिर इनमें से दो ग्रहों के बीच में हों, तो फिर चंद्रमा पीड़ित होते हैं और ये डिप्रेशन पैदा करते हैं। चंद्रमा कुंडली में कमजोर स्थिति में होगा तो तनाव अवश्य होगा। दो पाप ग्रहों के मध्य में चंद्रमा अकेले बैठे हों, ऐसा व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। हाँ, चंद्रमा हमेशा अवसाद ग्रस्त करेगा, डिप्रेशन देगा, ऐसा नहीं। जब भी चंद्रमा महादशा में आएगा, जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा होगी, तो फिर ये स्थिति अवश्य बनेगी। मनुष्य मानसिक अवसाद का शिकार होगा ही होगा। मित्रों, चंद्रमा और बुध, इन दोनों की युति भी कुंडली में अच्छी नहीं समझी जाती। चंद्रमा तो बुध से शत्रुता नहीं रखता, परंतु बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है। इस कारण चंद्रमा की स्थिति बुध के साथ बैठकर अच्छी नहीं मानी जाती। नाड़ी ज्योतिष में इसको चीटिंग योग भी कहते हैं। मित्रों, चंद्रमा की गति बहुत तीव्र होती है, मात्र सवा दो दिन में यह एक राशि को पार कर लेता है, इसलिए चंद्रमा का असर भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, बहुत तेजी से इसका असर निकल भी जाता है। मित्रों, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि केतु के साथ बैठकर चंद्रमा आत्महत्या का विचार भी मन में लाता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा में केतु या केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही हो, तब ये स्थिति ज़्यादा प्रभावी होती है, मन में उदासी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी असफलताओं से परेशान हो जाता है, उसे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। केतु जब चंद्रमा को पीड़ित करता है, तब व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ने लगता है, क्योंकि केतु को मोक्ष कारक माना गया है, इसलिए जातक दुनिया छोड़ने पर भी विचार करने लगता है। केतु की वजह से व्यक्ति को राई का पहाड़ दिखाई पड़ने लगता है, उसको जरा से दुख भी बड़े भारी दिखाई पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि कुंडली में भले ही चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, लेकिन यदि कुंडली में सूर्य और लग्न की स्थिति प्रबल है, तो फिर ये नकारात्मक प्रभाव उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे। कुंडली में चंद्रमा के अलावा महत्वपूर्ण होता है लग्न का स्वामी यानी लग्नेश। लग्नेश भी यदि कुंडली में बली है, तो कमजोर चंद्रमा की नकारात्मकता की भरपाई हो जाती है। तो मित्रों, ये मेरे कुछ विचार थे जिनके कारण आप स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं चंद्रमा की स्थिति को देखकर कि आप के जीवन में डिप्रेशन रहेगा या नहीं। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं चंद्रमा को मजबूत करने के कुछ उपाय भी बताए दे रहा हूँ। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत नहीं है, कुंडली में कमजोर चंद्रमा बैठे हैं, ऐसे लोगों को अपनी माता की खूब सेवा करनी चाहिए। उन्हें चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। ऐसे लोगों को दूध या दूध से बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी की बर्क लगी मिठाई अवश्य खानी चाहिए। ऐसे लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामने कुछ वक्त ऐसे लोग अवश्य बिताएं, तो जिनसे धीरे धीरे ऐसे लोगों का चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।